वेलकम टू देसी फीड। जान के बिना घर तो पूरा सुना सुना हो गया होगा आपका। हाँ यस, जान के बिना घर सुना हो गया, लेकिन 24 घंटा बूट में देख रही हूँ जान आते जाते। तो कितनी कमी महसूस होती है जान की आपको? बहुत ज्यादा कमी महसूस होता है, बट संभालने की कोशिश कर रही हूँ। अभी देखा जाए आपके बेटे ने एक बड़े मंच पे है, जहाँ पे उन्होंने अच्छा किया तो बहुत बड़ा नाम हो सकता है उनका, right? तो कैसा फील होता है आपको वहाँ पे उनको देखने में? ये बहुत अच्छा फील होता है। इट्स अ ह्यूज प्ले, यू नो, प्लेटफॉर्म बिग बॉस, इट्स अ ह्यूज प्लेस, ह्यूज प्लेटफॉर्म, जिधर जान गए एंड ही इज देयर, ही इज डूइंग वेल, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, तो ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा मिस करती है आप जान के बारे में? जान का वो हर सुबह रियाज करना तो बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। जान का हमेशा हमारे घर में गाना बजता ही है, जाना है तो सुबह उठ के रियाज करना जान का, देन सारा दिन गाना बनाना, मिक्सिंग करना, गाने पे चालू ही रहता है, जो अभी थोड़ा कम है वो बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। तो ऑन देखने में कैसा लग रहा है जान? वो अच्छा खेल भी रहे है, लोगों के नजर में भी आ रहे, तो कैसा लग रहा है उनका गेम आपको देख के? मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जान को इस सब चीजों का बहुत शौक था, उनका सपना था कि वो बिग बॉस में जाएगा, he will do well, अच्छा करेगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो जान का ये सपना पूरा हो रहा है, मुझे सच्ची में बहुत बहुत खुशी हो रही है, रियली हैप्पी। अच्छा, तो आपने पूरा देखा होगा, तो आपको क्या लगता है जान के लिए सबसे अच्छा कंटेस्टेंट कौन होगा, कौन उसको लास्ट तक हेल्प कर पाएगा? देखिए बिग बॉस में किसी का हेल्प चलता नहीं है, फिर टेक गुड एडवाइस, इट्स ओके, अदरवाइज सब लोग अपने आप छोड़ के जाना ही पड़ता है, यू कांट, इसमें कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है, बिकॉज सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन फॉर योर ओन बेटरमेंट, तो ऐसा कोई तो मुझे नहीं दिख रहा है। निक्की ने कहा था पता आपको कि जान को छोड़ दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा? निक्की बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, अगर उनको लगता है कि जान कुछ नहीं कर पाएगा, दिस इज रॉन्ग, आप कुछ अच्छा कर रहे हो बोल के डोंट अंडर एस्टिमेट द अदर पर्सन, तो अगर निकी ने ऐसा कहा तो गलत कहा। तो सीनियर्स को देखने में कितना मजा आ रहा है आपको गेम में? सीनियर्स आए हैं, सिद्धार्थ है, हिना है, बहुत अच्छा लग रहा है, दे उन लोग इतना पहुंचे हुए, इतना सुलझा हुआ, इतने अच्छे तरीके से सबको बहुत हेल्प कर रहे, दे आर ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले, कैसे खेलो, कैसे रहो, अगर कोई भी कंटेस्टेंट इवन जान उनसे एडवाइस ले ले और उनको फॉलो कर तो देर भी बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा हम लोगों के लिए। ओके, तो आपको क्या लगता है जान टॉप 5 तक पहुंच पाएगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए मैं तो सोचूंगी टॉप 1 में पहुंच जाए, 5 नहीं, बट जैसा खेलेगा, जैसा रिस्पांस आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब जान को तो बचपन से देखते आ रही है, अगर सीजन 13 के तरह जान को वैसा कुछ फेस करना पड़ा जैसे कॉपी किसी ने फेंक दिया, तो आपको क्या लगता है जान उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा? देखिए जब बिग बॉस में गया हैंडल तो करना ही पड़ेगा, नो चॉइस। ओके, आप लास्ट क्वेश्चन, एक जान के फैंस को एक मैसेज दे दीजिए, जान को सपोर्ट करे वो लोग, तो एक मैसेज दे दीजिए उनको। जान के फैंस को तो ये बोलूंगी प्लीज सपोर्ट जान, ही इज अ वेरी नाइस बॉय, उनका बहुत सारा स्पेशल क्वालिटीज है जो आपको दिखेगा, डिसेंटली ही विल प्ले, अच्छे तरीके से खेलेगा, ही इज अ वेरी गुड कुक, वेरी गुड सिंगर, बहुत हंसाता रहता है, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जान में है, बहुत ज्यादा है, एंड वेरी डेडिकेटेड पर्सन, प्लीज मेरा बच्चा को हेल्प कीजिए, जान को आगे बढ़ने दीजिए, बिग बॉस में अच्छी तरह से खेले, ऐसा कर लीजिए, प्लीज डू दैट।